गोहाना से ये बड़ी खबर, अवैध रूप से पैसा देने वालों की गुंडागर्दी, रेहड़ी पटरी वालों के साथ मारपीट और किडनैपिंग का मामला, पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है। मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। गोहाना से ये बड़ी खबर, अवैध रूप से पैसे देने वालों की गुंडागर्दी, रेहड़ी पटरी वालों के साथ मारपीट और किडनैपिंग का ये पूरा मामला है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है। मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गोहाना से ये बड़ी खबर, अवैध रूप से पैसा देने वालों की गुंडागर्दी देखने को मिली है और इस पूरे मामले पर 5 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। पुलिस की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई की गई है। मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तस्वीरें आप तक हम साझा कर रही हैं, जिन 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है उनकी ये तस्वीरें आप तक हम साझा कर रही हैं। तो अवैध रूप से पैसे देने वालों की गुंडागर्दी देखने को मिली। कौन सा? इस मामले में 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। जो गिरफ्तारी के बाद उन लोगों ने बताया कि भाई वो जो यहाँ गोहाना में है अपना पैसे का वो करते हैं, भाई जरूरतमंदों को पैसे देते हैं ब्याज पे। और उन्होंने जिस लड़के के साथ मारपीट की है वो किसी और की उसमें मारपीट की गई है, उस लड़के से उनका किसी प्रकार का कोई लेन देन नहीं पाया गया है। अच्छा, फिलहाल जो जांच में सामने आया है उसके साथ किसी प्रकार का कोई लेन देन नहीं पाया गया है, किसी और के उसमें उसके साथ मारपीट की गई है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी सुनील जिंदल जुड़ गए हैं। सुनील, ये पूरा मामला क्या है, जरा विस्तार से बताइए। बिल्कुल देखिए साधना, 3 दिन पहले का पूरा मामला है। 3 दिन पहले गोहाना के पानी सब्जी मंडी के पास जो है कुछ अज्ञात बदमाश जो है दो गाड़ी और बाइक पर सवार होकर आए थे। वहां पर जो है एक धूप की जो छोटे छोटा छोटा दुकानदार आप कह सकते हैं, काम करने वाले दुकानदार के साथ मारपीट की थी, उसको गाड़ी में और कुछ दूर अपने छोड़ दिया गया था। और इसके बाद जब पुलिस तुरंत हुई तो पुलिस ने जो है दुकानदार के जान पर कई लोगों के खिलाफ जो है अपहरण मारपीट का मामला दर्ज किया था। पूरे मामले में जो है पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें मुख्य भी आरोपी है। जो मुख्य आरोपी है 5, इसमें अभी 5 आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि देखिए ये जो युवक पकड़े गए हैं ये लोगों को खाने से पैसे देने का काम करते थे और धोखे से जो है इस दुकानदार को दूसरे दुकानदार के धोखे से जो है इसको उठाकर पैसे को मारपीट किया, अपहरण किया और इसके साथ कोई पैसे का लेन देन नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं देखिए गुंडागर्दी, मैं ये कहूंगा कि सामने जो ब्याज पर देने का काम करते हैं उनके गुंडागर्दी साफ देखने को मिली है। दिन दिहाड़े बाजार से दुकानदार का उठाया गया, उसके साथ मारपीट की गई, उसको गाड़ी में ले जाकर जो है ऑफिस में पूछताछ की गई, लेकिन बाद में जब निकल के आया कि ये दुकानदार वो नहीं था जिसके साथ इन्होंने लेन देन था। तो अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, आरोपियों को गिरफ्तार किया है, सभी को जो है अदालत में पेश कर रिमांड कर लिया जाएगा। जो बाकी आरोपी हैं उनको भी जो है पुलिस जल्द गिरफ्तार करने का काम करेगी। सुनील, जो ये पूरा मामला सामने आया है, क्या एक ही दुकानदार के साथ ये पूरी कार्रवाई की गई है, क्या फिर और दुकानदारों के साथ भी इसी तरह की बदतमीजी की गई है? देखिए अभी एक ही दुकानदार के साथ इस तरह का मामला सामने आया है, लेकिन इस तरह के मामले लगातार पहले भी सामने आते रहे हैं। क्योंकि देखिए जो फाइनेंसर हैं वो लोगों को जो है मोटे ब्याज पर पैसे देने का काम करते हैं। कुछ फाइनेंसर के दबाव में कुछ लोग सुसाइड भी कर लेते हैं, लेकिन अगर कुछ लोग पैसे नहीं देने की वजह से उनकी पिटाई भी की जाती है। ऐसा ही मामला ये सामने आया था 3 दिन पहले, जब कुछ लोग जो है गाड़ी में सवार होकर आए थे, दुकानदार को जो रेडी चालक था इसको उठाकर इसके साथ मारपीट की थी और उसके साथ अपने ऑफिस में उसको उठाकर लेकर गए थे। और जब सामने आया तो मामला की ये पाया कि वो जो जिसका इनके साथ लेन देन था वो ये दुकानदार नहीं था। तो कहीं ना कहीं एक किस्म की गुंडागर्दी कहीं ना कहीं सामने आई थी इनकी, क्योंकि देखिए सरेआम बाजार से एक दुकानदार का उसके साथ मारपीट करना और उठाना, तो इस तरह के मामले पहले भी आते रहे हैं। लेकिन अब इस मामले के सामने आने से, ताजा मामला सामने आने से जो है पुलिस हरकत में आई है और तुरंत इसमें कार्रवाई करते हुए पूरे मामले में 5 आरोपियों को जो है गिरफ्तार किया गया है। चलिए सुनील, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है और मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है।
जिन 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है उनकी तस्वीरें भी हम आप तक साझा कर रहे हैं। गोहाना का ये पूरा मामला है।